धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 149 अंक चढ़कर 65,996 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 62 अंकों की तेजी रही, यह 19,633 पर बंद हुआ। हालांकि कारोबार के दौरान सेंसेक्स में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। सोना 70 रूपये सस्ता हुआ, यानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,050 रूपये हुई। वहीं चांदी की कीमत में 400 रूपये की गिरावट रही। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 73,600 रूपये हुई। गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब गेहूं और चावल की कीमतें कम करने के लिए अतिरिक्त 5 लाख टन गेहूं और 2.5 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। खाद्य सचिव के मुताबिक चावल का रिजर्व प्राइस अब 2 रूपये घटाकर 29 रूपये प्रति किलो कर दिया गया है। बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया है और बताया है कि भारतीय सीमा शुल्क विभाग किसी भी निजी खाते में टैक्स जमा करने के लिए लोगों को फोन नहीं करता और न ही कोई एसएमएस भेजता है। अगर कोई ऐसा कॉल या एसएमएस आता है तो लोग सावधान रहें, धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। कार कंपनी मर्सिडीज बेंच ने भारत में नई जनरेशन एसयूवी कार जीएलसी लॉन्च कर दी है। ये पुरानी जीएलसी कार का अपडेटेड वर्जन है। कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 73,05,000 रूपये से शुरू है। लग्जरी एसयूवी में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही नए फीचर्स भी एड किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि ये कार 6.2 सेकेंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ सकती है।